तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमने इसके एसी निकाली हुई है, और मैं बता दूं कि देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर मिस दिख रहा होगा जो कि किसी टेक्नीशियन ने निकाला होगा क्योंकि सॉर्टिंग वोटिंग के कारण। तो ये है आपका निगेटिव, समझे सबसे डायरेक्ट कॉल कीजिए और आप वन टाइम कॉल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आना है कि नहीं आना। देखिए हमारा सेट परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है और यहाँ पर चार्जिंग भी हमें शो हो रही है। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? हाय माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं बैठा हूं अपनी लैब में और आज हम करेंगे कुछ मोबाइल को रिपेयर, और ये कुछ पार्ट में वीडियो आएंगे क्योंकि मेरे पास में अभी फ़ोन है एक बनाना है, ये iPhone 6 बैटरी ड्रेन, इसका भी वीडियो आप देखेंगे इसी चैनल पर। और एक अभी हम बना रहे हैं एक MI का सेट है दोस्तों, और इसके बाद ये आप देख सकते हैं ग्राफिक्स फोल्ड, और एक हम बना रहे हैं Huawei। तो ये तीन फ़ोन हैं, इन तीनों फ़ोनों को बनाएंगे। और दोस्तों अगर ये बनाना आप सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं अपने मार्केट में, अगर आपने एसर टेलीकॉम का नाम सुना है, अगर आपके पास वाले, अगर आप एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट को काम दे रहे हैं तो क्यों नहीं वो काम आप भी करते। सो एक काम करो ना, फ़ोन उठाओ, कॉल लगाओ और सीट बुक कर लो अगले महीने की, क्योंकि ये काम बहुत सरल है, सीख सकते हो आप, और कॉन्फिडेंस हम पैदा करेंगे। आप तो बस अपना एक महीने का पेटी बांध के आ जाओ और कुछ सपने अपने साथ ले आओ, सपने पूरे हम करेंगे। और दोस्तों अगर हमें फेसबुक में लाइव देखना चाहते हो क्लासेस, क्योंकि जो कि इंडिया में कोई नहीं कर सकता है वो हम कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि बहुत सारे देखेंगे कि कौन कर सकता है इसे टेलीकॉम, तो इस फेसबुक में जाइए और लाइव देखिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा आईफोन की, मैं इसके बाद में वीडियो बनाता हूँ उसका, बैटरी ड्रेन का है। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक ये MI के फ़ोन की। तो दोस्तों MI के फ़ोन में मैं सबसे पहले बूट आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या फॉल्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फ़ोन में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप एम्पियर को अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर आप देखिए, अगर आप एम्पियर को चेक नोटिस करेंगे, ये देखिए, तो ये डायरेक्ट 1.8 एम्पियर पर डायरेक्ट जाता है। उसमें अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले आता है, पर डिस्प्ले आने के बाद फिर चला जाता है, ये देखिए। तो आप देखिए 1.20 पे जा रहा है जबकि मैंने बैटरी हटाई हुई है। आप नोटिस कीजिए मैंने बैटरी हटाई हुई है, पर तब भी यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.20 पे जा रहा है, और फ़ोन पे बाकायदा लोगो आ रहा है, और MI में जैसे कि आपको पता है कि वो चार्जिंग दिखाता है, बट 1.2 एम्पियर पे जा रहा है। 1 एम्पियर पे ये कभी नहीं जाना चाहिए, ये 0.20 या 0.10 लेना चाहिए, 0.20 या 0.10, पर ये ज़्यादा ले रहा है क्योंकि इसमें फॉल्ट है शॉर्टिंग का, एक बैटरी ड्रेन है और ये है एक माइनर शॉर्टिंग अगर हम इसको कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी लाइन की बात करूँ तो देखते हैं प्राइमरी लाइन पर अगर मैं DC लगाऊँ तो मुझे कितने वोल्टेज मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपको ध्यान देना है इधर ये 0.0 पे, तो मैंने यहाँ पर DC लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और चेक करता हूँ कि प्राइमरी लाइन पे DC देने पर इसमें कितने वोल्ट बनते हैं। तो देखिए ये देखिए, ये मैंने लगाया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और आप देखिए, तो अभी आपको देखेंगे ना, ये देखिए नॉर्मल, तो जो यहाँ पर एम्पियर है, जो करंट है, अभी नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी लाइन पे नॉर्मल करंट बन रहा है। आपको दिखाता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या फॉल्ट है यहाँ पर, कि देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर जो इसकी ये PMI लगी हुई है, मतलब ये जो पावर AC लगी हुई है, सब पावर ये देखिए, अब इसको हम चार्ज पर डालेंगे
तो आप सब पावर को ध्यान दीजिएगा। देखिए तो ये कोना आप ध्यान देना, ये वाला जो कोना है, तो जैसे ही मैं इसमें लगा रहा हूं तो नोटिस कीजिएगा, ये देखिए। तो आपने नोटिस किया होगा कि कोना पहले आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से गर्म हो रहा है, उसके कारण ये बूस्ट कॉइल गर्म हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर आपको दिखा, देखिए तो दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको एक एक दो तीन और चार, चार आपको कॉइलें दिखाई दे रही होंगी। तो ये आपकी बक कॉइल है, चार्जिंग बक कॉइल, ये आपकी लाइट बूस्ट कॉइल और ये ग्राफिक्स का कॉइल है, ये प्लस माइनस का कॉइल है। और इसमें ना फॉल्ट यही है कि जो दिया था कि ग्राफिक्स के लिए फॉल्ट जा रहा था। तो चले सबसे पहले देखते हैं आईसी, क्योंकि वहाँ के कॉम्पोनेंट भी चेक करते हैं कि कोई शॉर्ट वॉटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसका जो पतरा है, पहले हम पतरा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, हम डायरेक्ट आईसी पे काम करते हैं फिलहाल और एक आउटपुट निकालते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहां पर आईसी निकल चुकी है और आईसी के अंदर अगर आप देखेंगे कि एक भी बोल्ट आपको मेल्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए आप, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहां पर हमने इसकी आईसी निकाली हुई है। और मैं बता दूं कि देखो यहां पर आप देख रहे होगे ना, तो यहां पे आपको एक कैपेसिटर मिस दिख रहा होगा जो कि किसी टेक्नीशियन ने निकाला होगा क्योंकि शॉर्टिंग वोटिंग के कारण। तो ये है आपका नेगेटिव का कैपेसिटर है VSN, तो ये लगना जरूरी है क्योंकि ये नहीं लगेंगे तो हमारा ग्राफिक्स नहीं बनेगा। और थोड़ा एक और चीज नोट करेंगे हम यहाँ पर, देखिए काम बहुत जबरदस्त हुआ है इस PCB में, हर जगह पेस्ट पड़ा हुआ है। क्या ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस कैपेसिटर पर हम कैपेसिटर लगा देते हैं और फिर IC लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट बन रहा है। तो उसको थोड़ा सा हम कूल करेंगे।
अब इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसको मैं चेक करने के लिए वापस लगा रहा हूँ एम्पियर आपको यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं वापस दिखाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने दिखाया अभी कि यहाँ पर हमने अभी इस केबल को हटाया बैटरी के और हमने देखा कि हमारा जो यहाँ एम्पियर है ये एम्पियर डायरेक्ट 1.1 नहीं ले रहा था। अब देखिए अब हम चेक करते हैं कि अब हमारा ये फ़ोन नॉर्मल चार्जिंग लगाने पर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था पर बहुत ज़्यादा एम्पियर के साथ में, बट वो ऑन होने के बाद में फिर बंद हो जा रहा था। पर ये देखिए तो आप देखेंगे अब हमारा फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो गया है। और एम्पियर की भी बात करेंगे तो आप देखिए एम्पियर भी सही तरीके से उठा रहा है। ये यहाँ पर देखिए 0.20 के बाद 0.60 पे गया था और उसके बाद में फिर वापस 0.20 पे गया और फिर वापस जाकर फिर 1 एम्पियर के ऊपर आया और सही तरीके से यहाँ पे डायग्नोसिंग हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इस फोन को ऑन करूँ तो यहाँ पर ये सही तरीके से ऑन भी हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये हुआ है एसर टेलीकॉम, आप देख रहे हैं भी एसर टेलीकॉम। अगर आप मैं कह रहा हूँ कि ये काम आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आज ही कॉल उठाइए। दो नंबर दिए हुए हैं 9644139972 7007311712। आप दोनों नंबर पे 7007311192 तो यहाँ पे आप दोनों नंबर पे कॉल कीजिए और आपको 96 पे फातिमा मैडम और 7000 पे एमडी सर मिलेंगे। आप अगर रात में कॉल कर रहे हैं तो 7000 पे कॉल कीजिए, सर से समझे, सर से डायरेक्ट कॉल कीजिए और आप वन टाइम कॉल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आना है कि नहीं आना। देखिए हमारा सेट परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है और यहाँ पर चार्जिंग भी हमें शो हो रही है। चलो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए और आई होप कि ऐसे बने रहें चैनल पे और नए नए कल सॉल्यूशंस में अभी डालता रहूँगा। और ये मेरा सेटअप है आप देख सकते हैं, अभी पहले यहाँ भी बैठता हूँ, यहाँ भी बैठा हूँ, सो कहीं भी बैठ के बना लेता हूँ ये वीडियो आपके लिए। लाइक जरूर करते हैं इस वीडियो को क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू वेरी मच। लाइव पावर आईसी किया, सीपीयू किया, जब सीपीयू किया तो एक अंदर आए मतलब सर, हाँ सर एकदम बढ़िया है, इन्हें सीपीयू करवा दिया ये तो है मतलब। हाँ, हाँ सर लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल लेकर यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव सीपीयू और पावर आईसी और बाद में अब ये लास्ट डे क्या करके गए? डबल डेकर हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर, यहाँ पे जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल। अच्छा, लाइव क्या किया? या सर लाइव मैंने सीपीयू लगाया, पावर आईसी लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। वो भी बताया था कि नहीं बताया था? आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने पीसीबी पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल, कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गए आप? सर डबल डेकर किया था। डबल डेकर मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी आईसी पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव सीपीयू भी लगाया, आईसी पे भी लाइव काम, पावर आईसी पे काम और आईसी पे। लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गए आप? सर लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल राज लास्ट डे डबल डेकर करके गए। बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G सीपीयू निकाला, पावर लाइव बनाया उसको। हाँ सर, एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया, टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर, आपने तो 3 टाइम किया ना उसको? हाँ हाँ हाँ, मेरे ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। दिखाइए आप क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर पर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किया, ईएमसी है, ईएमसी लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगाया, टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर की तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से जी सर। आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डे क्या किया? लास्ट डे डुअल डेकर किया।
हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं, आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? कैसा रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की? ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर। या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट Thank you.